स वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं वेलकम टू लेट्स लर्न तो डिस्कस करेंगे ए डब्ल्यू एस के लिए सेशन चल रहा है टीचिंग मेथडोलॉजी का और ये लास्ट सेशन होगा एक वन लाइनर का सेशन अब तो एग्जाम आपका हो ही जाएगा बाकी एग्जाम्स के लिए कर लेंगे ठीक ए डब्ल्यू एस आज कुछ ट्वेंटी वन के अराउंड ही क्वेश्चन है कुछ एंड मूवमेंट पे फाइल का कुछ प्रॉब्लम था ज्यादातर क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं बहुत बार हुए हैं या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग वो काम आएंगे टेंशन लेनी नहीं नहीं है इस चीज़ को के। आ सभी को गुड इवनिंग राम राम सी टेट का रिजल्ट कभी भी प्रकट हो सकता है ऐसा हम आ, क्या कहें उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं बाकी लेट सी क्या होता है कब होता है क्योंकि वेबसाइट डाउन हुई थी और एक घंटे के लिए ऑलमोस्ट डाउन हुई थी तो उस केस में कुछ ना कुछ तो हम कहेंगे कि प्रक्रिया चल ही रही है कितनी देर में कब तक आता है और बहुत सारा मैं देख रही हूँ फर्जी -फर्जी एक बार चलो आगे बढ़ते हैं अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सच में देनी है तो ठीक है देखो एक बार टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करें तो लेट्स लर्न स्क्वाड ये यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी आते हैं क्वेश्चन करते हैं फटाफट फटाफट ठीक अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की आंसर कीजिएगा पोल लेकर के बहुत बढ़िया योर बिगेस्ट फैन है हम सब लर्नर अच्छा इससे भी पहले अभी भी डाउन है वेबसाइट अब तो चल रही थी मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी मे भी डाउन ही होगी है ना तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चल रही है कल मिले आज मिले जब मिले रिजल्ट देखो आ, ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो भी लोग पैटेगोलॉजी पढ़ने के इच्छुक हैं स्पेशली डीट प्लस भी पी की तैयारी कर रहे हैं कोशिश रहेगी कि ये ऑनलाइन भी कर पाए बट ऑफलाइन अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ और नहीं होगा दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस फ्री होगी आप में से कोई भी आके अटेंड कर सकता है बस डेढ़ बजे पहुंच जाएगा दो बजे का टाइम है इक्कीस से अट्ठाइस तक एक हफ्ते पूरा रिविजन प्रॉपर अच्छे से करने वाले हैं हम लोग ठीक है ये एड्रेस दिया हुआ है ये मैंने टेलीग्राम पर पूरा शेयर कर दिया है आप आराम से वहां चेक कर सकते हैं ठीक दो से पांच बजे तक दोपहर में एक क्लास होगी पेडोगोलॉजी की और हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे फ्री क्लासेस हैं ठीक सीट का रिजल्ट आए तो फिर मीटअप की अनाउंसमेंट करें है ना और इन नंबर्स पे इस नंबर पे कॉल करके आप बता भी कर सकते हैं चलिए फिर आते हैं वापस क्वेश्चन पे अब इक्कीस तारीख में ज्यादा दिन बचे नहीं है मंडे से मिल रहे हैं हम लोग तो तैयार रहिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइमिंग की कोई कंफ्यूजन नहीं है दो बजे से पांच बजे तक दोपहर में क्लास है आपकी डेढ़ बजे आपको पहुंच के वहां रजिस्ट्रेशन करा लेना है इट थोड़ा बहुत मतलब कोशिश तो करिए कि टाइम पे पहुंच जाए डेढ़ पहुंच जाए क्योंकि लोग होंगे तो आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ठीक रहेगा फ्री रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ पेड नहीं है और क्लास दो से पांच तक है आपकी डेली इक्कीस तारीख से अट्ठाईस तारीख तक जो नहीं आ सकते उनके लिए कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग डलवा या जो भी कर सकते हैं अगर तो करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है आपका If majority of students in your class are weak, यानी ज्यादातर बच्चे अगर कमजोर हैं, ये वीक w -A, -E A K है वीक हफ्ता वाला नहीं है सप्ताह वाला नहीं है यानी अगर बच्चे जो मेजोरिटी बच्चे हैं ज्यादातर बच्चे आपकी में कमजोर हैं किसी भी कारणवश पीछे छूट जा रहे हैं तो क्या करें तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इनक्रीज तेजी से पढ़ाएंगे ताकि उनका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है उनकी जो समझने की क्षमता है वो बढ़ जाए जो पहले ही पीछे हैं उनको अगर तेजी से पढ़ाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है फिर है बी ऑप्शन कीप योर टीचिंग स्लो यानी अपनी टीचिंग को आप स्लो रखें हाँ बात तो ठीक है अगर बच्चे पिछड़ रहे हैं कमजोर हैं तो धीरे पढ़ाएं लेकिन हो सकता है इससे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो सी ऑप्शन है नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट के आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आप केयर ही नहीं करेंगे जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं बस मेजोरिटी पे फोकस करेंगे ऐसा नहीं है आपके लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों तो हटी ये ए और सी तो हट ही जाते हैं डी ऑप्शन है कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट यानी आप अपने टीचिंग के पेस को को अपनी टीचिंग की गति धीमे रखेंगे अलोंग अलोंग विद विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस जो ब्राइट हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं है ना जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे उनको एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे ताकि उनका भी इंटरेस्ट लूज ना हो क्योंकि जब आप स्लो पढ़ाएंगे तो ऐसा बच्चा जिसको जल्दी समझ में आ जाता है वो बोरियत फील करेगा बोरियत महसूस करेगा तो वो बोर ना हो इसलिए आप उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे उसको चैलेंजिंग टास्क देंगे ताकि वो भी इनवॉल्व रहे ओवरऑल अपने पेस को स्लो रखेंगे क्योंकि बच्चा है, तो डी तो ऑप्शन तो right आगे बढ़ेंगे अब ये एडब्ल्यूएस का लास्ट सेशन है उसके बाद फिर डी प्लस बी के लिए एक, एक तो वन लाइनर का सेशन रखेंगे और भी कुछ सेशंस से में रखूंगी डोंट वरी डी प्लस बी मंडे से चीजें देखिए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ दी अटेंशन स्टूडेंट चाहिए? शुड या हो, तो वो जो बोले वो बच्चे सुन पाएं, तो अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं टीचर या कर पा रही है टीचर तो उसके क्या करें पहला ऑप्शन है स्टार्ट डिक्टेटिंग यानी डिक्टेटर बन जाए हिटलर बन जाए बिल्कुल तानाशाही करने लग जाए या फिर फाइंड फॉल्ट इन पीपल्स बच्चों में कमियां निकालने लग जाए तुम्ही ना करो या फिर यानी अपने अपना जो तरीका है है पढ़ाने का उसको उसको मूल्यांकन करें समझें कि कमी है उसमें और इम्प्रूव कर पा रहे हैं टीचर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रही है फिर है डी ऑप्शन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट भाई ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना अगर टीचर बने हैं तो हम मानते हैं कि भाई एबिलिटी होगी आप में स्किल होगी तो आप काम करेंगे हम हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं बच्चों में कमियां कभी निकालनी नहीं होती डिक्टेटर आप बन नहीं सकते है ना ऐसे रिजाइन करने से बिना आपने कोशिश किए रिजाइन कर दिया ये तो गलत होगा ना तो हमारे पास इंप्रूवमेंट का चांस है कि वो अपने टीचिंग मेथड को कि उनकी टीचिंग मेथड में कमी कहां है इसको जाने इसका मूल्यांकन करें और फिर उसको इंप्रूव करें दिस इज द सिंपल थिंग हमारी जो अप्रोच है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए एज अ टीचर ना कि सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ हम जाए ठीक तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कल से या अब आगे से जो भी क्लासेस होंगी ना की, वो सब ये लास्ट क्लास है, वाली, क्योंकि में हिंदी में नहीं पूछा जाता क्वेश्चन अब ये तरह से जो आपका लेसन प्लान नहीं होता उसमें जो स्टेप्स उन, उनको लेकर के क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करने हैं स्टेप्स तो लेसन प्लान के स्टेप मान लीजिए एक बार आप एक तरह से हरबर्ड ने भी दिए हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटिंग द पूर्व ज्ञान से जोड़ते यानी मूल्यांकन करेंगे रीटीचिंग पहले रीटीच ही कर देंगे क्या नहीं फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव या प्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल तो क्या पहले क्या बाद में आएगा इसको हमें सीक्वेंस में डालना है ठीक है तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए क्या कर रहे हैं भाई पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए पहला ऑप्शन हमारे सामने होना चाहिए फॉर्मलेटिंग ऑब्जेक्टिव पहले उद्देश्य तो निर्धारित करें कि किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हैं क्या क्या समझा उसका उद्देश्य क्या है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे फिर आपके सामने जो बात है वो आएगी कि रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज यानी आप प्रीवियस नॉलेज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्रीवियस नॉलेज आपने लेसन प्लान देखा होगा तो पहले आप प्रीवियस नॉलेज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तब जाकर प्रेजेंट करते हैं लेसन को उसके बाद क्या आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल तो थर्ड पॉइंट आएगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स फिर आप नया चैप्टर शुरू करते हैं पहले आप प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके कुछ क्वेश्चन मूल्यांकन कर है। है, करेंगे पहले जानेंगे तो जितना पढ़ा दिया उनको समझ में आया कि नहीं आया अगर दिक्कत कहीं है तब रीटीच करेंगे तो ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा तो इस अनुसार अगर हम देखें तो पहला स्टेप है फोर्थ ऑप्शन कहां कहां है फोर्थ सिर्फ डी ऑप्शन में ही है ठीक है तो डी ही सिंपली आंसर हो गया इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती इस केस में तो ठीक तो पहले हम फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य निर्धारित करेंगे फिर रिलेट करेंगे प्रीवियस नॉलेज से उसके बाद आएंगे हम प्रेजेंट करेंगे मटेरियल को चैप्टर पढ़ाएंगे फिर इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद रीटीच करेंगे यदि आवश्यकता रहती है तो धीरे पढ़ाओ आज तो ठीक है यार स्पीड डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पर ठीक दे भी रहे हैं आप लोग पोल में क्वेश्चन नंबर फोर देखिए पोल क्वेश्चन नंबर फोर है आपका टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ यानी बच्चे बात करते हैं क्लासरूम में और डिसिप्लिन में नहीं है है ना अनुशासनित नहीं है तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि बच्चे बात करते रहते हैं क्लास में और डिसिप्लिन भी नहीं है बोर्डम काज बाय रेपिटेटिवनेस हो सकता है कि चीजें रेपिटेटिव हो गई हो मोनोटोनस हो गई हो बार बार वही चीजें रिपीट हो रही तो हो तो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा बच्चे बोर हो गए इसलिए बातें कर रहे हैं मे बी

कि भाई बच्चे जो हैं वो बोर हो गए हैं क्योंकि बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है मोनोटोनस हो गई है क्लास इसलिए वो बातें करने में लगे हुए हैं या इंडिसिप्लेन है? सिर्फ बातें होती तो एक बार को कंफ्यूजन हो सकता था समराइजिंग का तो कोई पॉइंट ही नहीं था तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर है फाइव फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू यानी जो हम बात करते हैं भ्रमण की क्षेत्र भ्रमण कह लीजिए फील्ड स्टडी कहीं किसी प्लांट में ले गए कहीं कोई साइट दिखाने लगे बच्चों को कि काम होता कैसे है ठीक तो फील्ड स्टडी किससे संबंधित है आंसर कीजिएगा पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस यानी प्रयोगात्मक परिस्थितियां रियल लाइफ सिचुएशंस वास्तविक परिस्थितियों को से संबंधित है लेबोरेटरी सिचुएशन यानी प्रयोगशाला या फिर नन ऑफ दीज बताइए एक बार आंसर क्या होगा आंसर होगा रियल लाइफ सिचुएशन भाई फील्ड ट्रिप का मतलब क्या है आप कहीं लेके जा रहे हैं जहां रियल लाइफ में चीजें हो रही हो अगर आपको ताजमहल भी लेके गए ले हैं अगर फील्ड ट्रिप पे दैट मीन्स कि रियल लाइफ से जोड़ के मतलब जहां पे सच में कोई भी काम हो रहा होगा उसी को तो फील्ड स्टडी कहेंगे क्या आप फील्ड में जाके पढ़ें यानी रियल लाइफ सिचुएशन में पढ़ें, या समझे किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन दी फैक्ट देट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न यानी किस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने यह माना कि हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एडब्ल्यू एस में कई साल आया है और इसका सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ आंसर है फ्रेडरिक फ्रॉबेल क्योंकि तीनों ही लोग गलत नहीं है ये तीनों की अगर हम बात करेंगे तो ये बच्चों के पक्ष में ही है लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो हम फ्रेडरिक फ्रॉबेल के साथ जाएंगे मैं एकदम अच्छी हूँ साधना तिवारी होपफुल आप सभी अच्छे होंगे आंसर होगा डी इसको सी मत लगाइए ठीक है ये रिपीट हुआ है और उसका आंसर फ्रेडरिक फॉबेल की माना है बोर्ड ने क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए द गवर्नमेंट हैज अ स्कीम एस ए बी एल ए सबला बोल लीजिए फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अडोलिसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ ठीक अभी आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने कर दिया है इसको एड बताइए एक बार हम्म पोल में मैं देख रही हूं आपके आंसर्स आंसर इसका होगा 11 से 15 15 से 18 दोनों ठीक हैं बी एंड सी ठीक है जी एडोलेसेंस का तो एज है ही ना ये ग्यारह से पंद्रह में भी आएगा पंद्रह से अट्ठारह में भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द इंट्रोडक्शन ऑफ करियर कोर्सेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एम्स एट यानी कि जो इंट्रोडक्शन है किसका करियर कोर्सेज का करियर कोर्सेज के करियर से या वोकेशनल गाइडेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का कॉलेज और स्कूल में उद्देश्य क्या है पहला ऑप्शन है डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स यानी एबिलिटी डेवलप करना ताकि बच्चे इंटेलिजेंटली चूज कर सके किसी जॉब को करियर कोर्सेज इसीलिए डाले जाएंगे ताकि उनको अलग अलग करियर के बारे में पता लग सके जॉब प्रोफाइल के बारे में पता लग, लग, लग सके सीधा कोई जॉब चूज करने के बाद ही पता ना लगे उससे पहले उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो फिर है इंक्रीजिंग जीके इन स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट्स या ऑल ऑफ बेस्ट आंसर होगा ए ऑप्शन डेलपिंग दबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब उनके अंदर क्षमता जो है वो डिवेलप हो पाएगी कि वो एक अच्छी इंटेलिजेंट चॉइस ले पाएंगे करियर कोर्स ऑलरेडी देर उनको इंटर्नशिप करने का मौका मिला उनको कुछ चीजें करने का मौका मिला आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज यानी प्राइमरी स्टेज मीन्स प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें तो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका या टेक्निक कौन सी हो सकती है फर्स्ट टू फिफ्थ के लेवल पे जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा खेल खेल में सीख पाए प्ले वे की बात करते हैं हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ब्लैक बोर्ड एंड चॉक ट्रेनिंग सेल्फ लर्निंग या गेम टीचिंग देखो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कई बार डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है ऐसा नहीं कि उनको बस आप छोड़ देंगे कि सेल्फ लर्निंग खुद ही कर लो अब तो हमारे रोल की जरूरत ही नहीं है तो सबसे जो बेहतर ऑप्शन है आप लोग बता भी रहे हैं सिक्सटी लोग सही आंसर कर रहे हैं गेम टीचिंग ना खेल खेल में सीखना चाहे आप उसको प्ले वे से जोड़ दें चाहे हम गेम टीचिंग की बात करें कि उनको कुछ गेम जाए इन्वॉल्व हो और सीख जाए ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो प्रैक्टिकल लर्निंग और ये सब बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन देखिए एक बार द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट मे बी प्रेफर्ड ओवर स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स एज यानी कि टीचर मेड टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर स्टैंडर्डाइज टेस्ट मानकीकृत परीक्षणों की जगह जो टीचर मेड टेस्ट है उनको हम महत्व देते हैं किन बच्चों को असेस करने के लिए डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को जो हाशिए पे हैं बच्चे जो वंचित हैं किसी भी रूप से चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित हो चाहे वो शारीरिक रूप से वंचित हो या किसी भी वजह से अगर वंचित हैं तो उनको असेस करने का स्टैंडर्डाइज तरीके की बजाय आप टीचर मेड टेस्ट बनवाइए क्योंकि भाई टीचर को पता होगा उनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ेगी स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं बड़ी पॉपुलेशन के लिए होते हैं बीस लाख लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में दस लाख लोग बैठ रहे हैं तो वहां इंडिविजुअल डिफ्रेंस का ध्यान नहीं रखा जाता कई बार दिक्कत हो जाती है स्टैंडर्डाइज में तो सिंपल आंसर हमें मिल गया फिर भी हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं आप लोग भी आंसर कीजिए पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर गिवन टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है कि ये अमीरी और गरीबी के बेसिस पे दिया जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए होता है उसमें अमीरी और गरीबी की बात नहीं है

ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को क्या डिसएडवांटेज है किस रूप में वो वंचित है कहां कमी है किस तरह का टेस्ट बनना चाहिए था इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्यों क्योंकि उनका फोकस है एक लार्ज पॉपुलेशन को मेजर करना जबकि अगर कोई बच्चा सामूहिक या शारीरिक रूप से वंचित है तो या उसको कोई और समस्या है तो आपको उस तरह से टेस्ट बनाना होगा कि आप उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख पाए

ऊपर मान लीजिए कोई अः कि राजस्थान में किस तरह से लोग रहते हैं गुजरात में किस तरह से लोग रहते हैं है ना तो ये जो एथनिक ग्रुप को लेकर के जो नजरिया है एटीट्यूड है कई लोग बड़ा ऊंचा या नीचा देखते हैं कि अरे ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं ना वहां के लोग तो ऐसे होते हैं या फिर अच्छा एटीट्यूड भी हो सकता है कि मतलब अगर पेरेंट्स एम्ब्रेस करें या उनको उस तरह की पिक्चर दिखाई जाए तो वो किसी ग्रुप को या जाति को समूह को बुरा नहीं मानेंगे तो जनरली किस पे बेस्ड होगा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एटीट्यूड है किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के प्रति वो किस पे बेस्ड होगा किसकी ओपिनियन पे कहीं से तो आएगी ना कोई चीज पहला ऑप्शन है उनके सिबलिंग के एटीट्यूड जो उनके बहन भाई का एटीट्यूड है ऑफ पियर यानी उनके सहपाठियों का या फिर दियर पेरेंट्स एटीट्यूड या द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन देखो बातें ना इसमें चारों ही सही हैं कोई भी बात गलत नहीं है टेलीविजन का भी प्रभाव पड़ता है एटीट्यूड जो सिबलिंग का है मान लीजिए बड़ा भाई बहन है वो किसी एक जाति समूह के लोगों को गलत तरीके से देखता है तो वो भी मानने लगते हैं कि हाँ, ऐसे तो ऐसे ही होते हैं या पियर्स का भी प्रभाव पड़ता है बट बाकी सब बाद में आएंगे सबसे पहले आएगा देयर पेरेंट्स एटीट्यूड ठीक जो माता पिता का एटीट्यूड है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा या, या ये हम कहें कई बार सिब्लिंग हो या ना हो पेरेंट्स तो होंगे ही ना बच्चे के मतलब उस केस में तो पेरेंट्स डायरेक्ट यहाँ पे रिलेटेड है सिबलिंग्स भी होता तो गलत नहीं होता पियर भी होता तो गलत नहीं होता बट ज्यादा जो बेहतर आंसर है वो सी ऑप्शन है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर एज प्राइमरी यानी मुख्य या उद्देश्य किसको कहेंगे एक होते हैं प्राइमरी मोटिव्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। ये मोटिव्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ पेडकोलॉजी स्पेशल बैच में भी वैसे भी है ना प्राइमरी मोटिव्स कौन से होते हैं बताओ पहला ऑप्शन है सोशल मोटिव्स, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, एजुकेशनल मोटिव या साइकोलॉजिकल मोटिव्स। बताइए एक बार प्राइमरी मोटिव किनको कंसिडर करेंगे उत्तर होना चाहिए फिजियोलॉजिकल मोटिव को जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो फिजिकल नीड्स हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते चाहे वो खाना हो पीना हो सोना हो है ना ये जो फूड वाटर ये सब चीजें जो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स ये प्राइमरी मोटिव्स कहे जाते हैं सेकेंडरी में सोशल मोटिव आ गए आपके या एजुकेशनल मोटिव या साइकोलॉजिकली है ना आपका गाना सुनने का मन कर रहा है लेकिन जब खाना नहीं मिलेगा तो गाना सुनने का मन नहीं करेगा खाना खाने का मन करेगा तो फिजियोलॉजिकल मोटिव प्राइमरी मोटिव है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि बच्चा जो है वो सांवेगिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है सीवियरली डिस्टर्बड है है ना इमोशनली वो ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है इमोशनली सीवियर की बात हो रही है हल्का फुल्का मॉडरेट की नहीं तो कौन से ऑप्शन से आप पता लगाएंगे कि बच्चे को इमोशनली बहुत ज्यादा दिक्कत है डिस्टर्बेंस है इमोशनली डिप्रेशन एंग्जाइटी वॉट इज नॉट स्पीकिंग क्राइंग यानी जब बच्चा बात ना करे या फिर रोए या फिर टॉकिंग बैक उल्टा जवाब दे या फिर सोशल विदड्रॉल बताइए एक बार बिल्कुल बिल्कुल शरीफ सा आंसर है इसका जो हमारे दिमाग में होना भी चाहिए कि सोशल विदड्रॉल जब सामाजिक रूप से अलगाव कर ले बच्चा है ना अपने ही रूम में रहने लगे अब बाकी लोगों से ना बात करनी है ना किसी शादी में जाना है ना किसी दोस्त से मिलना है ना किसी आ, परिवार में किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट बचा हो मतलब वो खुद को अलग थलग कर ले विड्रॉल जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है उससे हमें पता लगेगा कि इमोशनल स्थिति बहुत ही भयंकर खराब हो चुकी है तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है फिर उस स्थिति में क्योंकि ये टॉकिंग बैक भी यही दिखाता है कि उल्टा जवाब देना भी कि हाँ मतलब कुछ तो गड़बड़ है बट इसको ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा गलत ही होगा ंग ये सब चीजें टेम्प्रेरी हो तो समझ में आता है ना ये तो चीजें हैं ऐसा सब करते हैं कभी, कभी ना कभी जीवन में लेकिन सोशल विद्रॉवल की अगर हम बात करें तो यहां तक कहानी तब पहुंचती है जब बहुत ज्यादा टाइम तक इमोशनल डिस्टर्बेंस रह जाए तो व्यक्ति खुद को काट लेता है हर चीज से और ऐसा डिप्रेशन जैसी स्थिति में होता है डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर फिर कहीं कुछ अच्छा लगता नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस यानी सबसे गहन

फास्टेस्ट जो सोशलाइजेशन होगा वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है लेटर चाइल्डहुड में भी बहुत अच्छे से होता है लेकिन सबसे गहन गैंगेज लेटर चाइल्डहुड है वहां सोशलाइजेशन अच्छा होता है लेकिन गहन मीन जो आपको सच में जीवन में काम आएगा जो आप यूज कर रहे होंगे आप प्रॉपर एक अडल्टुड की तरफ जा रहे होते हैं अडोल्ट सेंस में तो अडोल्ट सेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल और मोस्ट इंटेंस इसका जो ज्यादातर आंसर मिलेगा आपको वही मिलेगा तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन रिपीट हो गया, गया एक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस यानी श्रवण दोष नहीं है सुनने में प्रॉब्लम नहीं है कौन से एक ऑप्शन को हम कह सकते हैं कि हियरिंग लॉस तो नहीं है कि बच्चे का जो हियरिंग लॉस है या श्रवण दोष हो गया होगा इसलिए ये बात होगी पहला ऑप्शन है कंडक्टिव हियरिंग लॉस भाई सुन ही नहीं पा रहा बच्चा ठीक फिर है सेंसरी न्यूरल कुछ सेंसरी न्यूरल प्रॉब्लम है सेंसेस में कहीं कुछ दिक्कत है मिक्सड हियरिंग लॉस या अफेजिया तो सिंपल आंसर है अफेजिया अफेजिया क्या है ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड डिसेबिलिटी है ना कि हियरिंग लॉस की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम यहां आएगी कॉम्प्रिहेंशन बोले तो समझने में कि आप सामने वाले की बात को समझ नहीं पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुन नहीं पा रहे सामने वाले की बात को द थिंग इज आप समझ नहीं पा रहे ठीक है जी आगे बढ़ेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड है हियरिंग लॉस से रिलेटेड नहीं, नहीं है इसका कोई फिजिकल सिम्टम नहीं है क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड चाइल्ड इज़ यानी 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी रहेगी सामाजिक विकास क्या है जहां पे हम समाज के नियम कायदे तौर तरीके कानून सीख पाए कि भाई समाज में रहते कैसे हैं लोगों से बात कैसे करते हैं कोऑपरेट कैसे करते हैं कोई अगर मान लीजिए कोई जागरण है कोई कुछ और इस तरह का कोई एक्टिविटी है तो वहां बच्चा इन्वॉल्व कैसे होगा बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक 12 साल के बच्चे के लिए सोशल डेवलपमेंट की बेस्ट जगह कौन सी होगी आपको ये बताना है बिल्कुल नेबरहुड फैमिली हैउंड या फिर स्कूल तो इसमें कई लोग अलग अलग तरह के आंसर करते हैं बट जिसका सही उत्तर है वो यही है जिसको हम क्या कहेंगे स्कूल कहेंगे ठीक है जिसको हम स्कूल कहेंगे उसका रीजन क्या है

बताइए एक बार भाई पॉपुलेशन तो होनी चाहिए सोसाइटी में पॉपुलेशन तो होगी ना मतलब इसका मतलब ये नहीं है हम 130 करोड़ हो जाएं या उस सेंस में मतलब बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं है लेकिन हाँ लोग तो चाहिए ना सोसाइटी के लिए कुछ तो होंगे सॉलिडारिटी बिल्कुल और डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए लेकिन स्पेशलाइजेशन एज सच यहाँ नीडेड नहीं है ठीक है ये कोई प्राइमरी नहीं है स्पेशलाइजेशन कि बिल्कुल स्पेसिफिक तरह के ही लोग हों या स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में स्पेसिफिक लोगों को ही रखेंगे आप एक साथ वैसा नहीं है तो ऑप्शन right दो क्वेश्चन और रहते हैं विच वन ऑफ द प्रिंसिपल्स फैसिलिटेट्स इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को कौन महत्व देता है कौन सा एक सिद्धांत बताइए फटाफट समावेशी शिक्षा को कौन सा एक सिद्धांत महत्व देता है पहला ऑप्शन है स्पेशल चिल्ड्रन इफ इंक्लूडेड इन नॉर्मल क्लासरूम फर्दर लैक हम स्पेशल बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में रखेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे ये समावेशी शिक्षा थोड़ी है समावेशी शिक्षा तो हर एक बच्चे को साथ लेके चलने की बात करेगा करेगी उसकी नीड का ध्यान रखते हुए फिर है आपका नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अ जनरल टीचर यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर प्रॉब्लम होंगे तो फिर तो हो गया काम फिर तो आप सबको रोबोट्स बना दीजिए ठीक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रॉब्लम नहीं होती अपॉर्चुनिटी होती है द व्यूज ऑफ स्टूडेंट शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस हाँ बच्चों की बात को महत्व तो दिया ना चाहना चाहिए लेकिन ये एग्जैक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन की नहीं चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ की बात कर रहा है फिर है डी ऑप्शन चिल्ड्रन विद आई क्यू एंड अब कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन तो इस केस में तो फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास सही बचा द व्यूज ऑफ स्टूडेंट शुड बी गिवन एम ड्यू इंपॉर्टेंस बच्चे की बात को हम महत्व दें अब बच्चे की बात को महत्व देने में फिर बाकी चीजें आ जाएंगी जो भी उसकी नीड्स हैं उनका हम ध्यान रखें तो बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो सी ही है ठीक है आगे बढ़े ये लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन बात ठीक है बट इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रही है है ना अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिव इज दैट जो दोटिव हैं उनका महत्वपूर्ण पक्ष क्या है दे आर इंफ्लेंसेज फ्रॉम बिहेवियर दे कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली दे कैन दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली या ऑल ऑफ अब आंसर कीजिए आंसर देख नहीं पा रही हूँ मैं उत्तर थर्टी एट परसेंट कह रहे हैं ए ऑप्शन जो कि सही भी है uh, जो बोर्ड है आपका इसी को सही मानता है नहीं तो ऑल ऑफ दी भी हम कह सकते थे कि गलत नहीं होता देखो दे नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली बात ठीक ही थी चारों की बातें ठीक थी बट बेस्ट जो ऑप्शन माना है वो ए को माना है दे आर इन्फ्लेंसेज फ्रॉम बिहेवियर यानी जो सबसे महत्वपूर्ण आस्पेक्ट पूछा है ना नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं पूछा तो उस केस में इन्फ्लेंसेज है यानी एक तरह से कंक्लूजन है व्यवहार से निकाले गए कि ये मोटिव होगा इस व्यक्ति का इसका मतलब ऐसा व्यवहार है तो ये होगा ठीक तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 21 पे पीयर ग्रुप रेफर्स टू यानी पीयर कई लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि पीयर ग्रुप होता क्या है पीयर ग्रुप्स क्या हैं? या साथी समूह जो ग्रुप है वो क्या है साथी समूह का मतलब क्या है पहला ऑप्शन है पीपल ऑफ रफली द सेम एज यानी लगभग सेम एज के बच्चे पीयर ग्रुप में कहलाते हैं यानी मान लीजिए मैं चौबीस साल की हो तो अगर चौबीस साल के चार लोग हैं तो वो मेरे पियर ग्रुप के हो सकते हैं या आपके दोस्त मान लीजिए आप बारह साल के बच्चे हैं आपके घर में पंद्रह साल के बच्चे हैं तो जो उनकी एज के बच्चे हैं वो पियर ग्रुप कहलाएगा उनका बात तो ठीक है फ्रेंड्स बडीज पार्ल्स और ट्रूप्स जिन भी साथ दोस्तों यारी जिनके साथ भी है उनकी अब थोड़े बहुत बड़े और छोटे हो सकते हैं वो पियर्स कहलाएंगे फैमिली मेंबर्स फैमिली मेंबर्स में भी जो उनके साथ रहते हो साथी समूह भी चाहिए ना और लगभग सेम एज का भी तो तीनों ही बातें ठीक हैं Right कई लोग तो ऐसे भी जिनके दोस्त हो सकते हैं और तो साथ ही समूह बराबर के छोटे हो सकते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ये तीनों ही बातें सही है तो आज हम सिर्फ ये इक्स क्वेश्चन ही करने वाले थे टेलीग्राम चैनल पर लेटर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस आपको हेल्प लगभग हर एक एग्जाम में करेंगे और कल जिनका भी एग्जाम है आर्मी पब्लिक का ऑल द बेस्ट अच्छा करेंगे आप अगर आपने सीटेट में भी ठीक से पढ़ाई की है तो ये एग्जाम तो आप निकाल देंगे मतलब स्पेशली मैं टीचिंग मैथोलॉजी तो की या पेडोकोलॉजी की बात बात कर रही हूँ यहाँ पे आ, लाइव कर दीजिएगा आई ट्राई एक बार मैं टीम से बात करके ही बता पाऊंगी आपको कि वो लाइव हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या व्यवस्था है है ना रिजल्ट देखो कल आ जाए कभी भी आ जाए बट आना चाहिए क्योंकि अब हलचल हुई है वेबसाइट पे दैट मीन्स हम सच में सोच सकते हैं है ना अदरवाइज तो नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता मैं भी कई कई बार वेबसाइट चेक करती हूँ लेकिन वेबसाइट आज डाउन रही है और बीच में तो एरर ही आ रहा था तो उस केस में जल्दी आना चाहिए रिजल्ट कल आ जाए परसों आ जाए नो बडी नोज है ना अब ये सबको ही बेचैनिया आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं अब तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं ठीक है यार आए और फिर आगे की बात करें ठीक है खैर रिजल्ट तो जो आएगा वो वही आएगा कोई भाग नहीं जाएगा कहीं अगेन मैं सेम बात कहना चाहूंगी अभी भी एरर है नहीं मैं तो ओपन कर रही थी तो हो रही थी वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं लोग एक बार कर लेते हैं चेक 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 कर लेते हैं ठीक है जी ओहो <laughs> अच्छा 21 से 28 तक आपकी फ्री क्लासेस हैं ऑफलाइन में तो आपका स्वागत है दिल्ली के आदर्श नगर में जो करियर विल की करियर विल का नया ऑफिस है वहां और एड्रेस आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था मैं दिखा भी दूंगी देखो ओपन हो रही है वेबसाइट तो थोड़ी सी स्लो है बट हो रही है ओपन और क्योंकि हमारा इंटरनेट तो बहुत तेज है जस्ट जितनी देर में खुली है देखो तो, तो दैट अभी तो कुछ है नहीं बट हाँ आज डाउन रही है वेबसाइट एरर भी आया है तो कभी भी टपक सकता है रिजल्ट आराम से वेट करें अफवाहों से बचें इतने मन करे तो 2021 का रिजल्ट देख के मन को तसल्ली दें कि काश तभी कर लिया होता हमने वैलिडिटी लाइफ टाइम है Validity lifetime है की डोंट तो वरी अगर आपने आज तक कभी भी 2011 से आज तक कभी भी सीटेट क्लियर किया है तो आप वैलिड ही है अब हम करेंगे कल से कोशिश करूंगी एक तो वन लाइनर का सेशन लूंगी जो सभी के लिए हेल्पफुल होगा है ना चलो गुड नाइट कोई और बात हो तो कॉमेंट्स में बता नेक्स्ट सीटेट अगेन वही जुलाई वगैरह में होना चाहिए अगर ये रिजल्ट तो दे टाइम पे ठीक है टाइम तो फिर जा चुका है रिजल्ट का चलिए फिर टेक केयर ध्यान रखो अपना बाय बाय गुड नाइट